आज के इस लेक्चर में हम इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ एन एंजाइम टू आर विद इन सम सॉलिड इनसोल्युबल सपोर्ट आर कैरियर मैट्रिक्स, किसी भी सॉलिड सपोर्ट या कैरियर मैट्रिक्स के साथ अगर किसी एंजाइम को फिक्स कर दें तो इस प्रोसेस को नाम देंगे इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का। जस्ट सपोज हमारे पास ये एक कैरियर मैट्रिक्स या सपोर्ट है, इसके साथ हमने एक एंजाइम फिक्स कर दिया है, तो ये हमारे पास इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम कहलाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि ये जो एंजाइम की फिक्सिंग है सपोर्ट के साथ, ये फिजिकली भी हो सकती है और कोवेलेंटली बॉन्डेड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इमोबिलाइजेशन के अंदर सपोर्ट या कैरियर मैट्रिक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, तो इसकी एग्जाम्पल हैं ग्लास बीड्स, पोली अक्राइल अमाइड और सेलुलोज। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर मैट्रिक्स हैं जो कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं फास्ट इमोबिलाइज्ड एंजाइम की। 1969 में फास्ट इमोबिलाइज्ड एंजाइम डिस्कवर किया गया जिसका नाम था अमाइनो अनसाइक्लेज एंजाइम। इस एंजाइम को यूज़ किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल अमाइनो एसिड्स। अब डिस्कस करते हैं मैथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहला मैथड हमारे पास है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के मेन पॉइंट्स देखते हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल्स अडहीर टू द सरफेस ऑफ मैट्रिक्स, कि हमारे पास ये एक सपोर्ट या मैट्रिक्स है, एंजाइम मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के साथ जो है वो अटैच होता है। नंबर टू, नो परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मैट्रिक्स एंड एंजाइम, इस एंजाइम और मैट्रिक्स के इन बिटवीन कोई परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इनके इन बिटवीन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एज वेल एज लो इनर्जी बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। के एंजाइम और मैट्रिक्स के दरमियान या तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होंगे या फिर लो इनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। अब ये लो इनर्जी बॉन्ड्स कौन से होते हैं, आयोनिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वंडरवाल फोर्सेस। एडजॉर्प्शन मैथड्स के अंदर मैट्रिक्स या स्पोर्ट कौन सी यूज होती हैं, तो इसके जो टाइप्स हैं वो है पोरस कार्बन क्लेस, ऑर्गेनिक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मिनरल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड एंड मॉडिफाइड सैफरोस एंड आयन एक्सचेंज रीजन। तो ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जो कि एडजॉर्प्शन मेथड में यूज होते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का जो दूसरा मेथड है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का है। एक चीज़ आपने और भी माइंड में रखनी है कि जो एडजॉर्प्शन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का, और जो सबसे ज़्यादा मेथड कॉमनली यूज होता है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। नंबर टू पे क्या है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कैरियर मैट्रिक्स बाई कोवेलेंट बॉन्ड। के कैरियर मैट्रिक्स, जस्ट सपोज ये हमारे पास कैरियर मैट्रिक्स या सपोर्ट है और ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम इस सपोर्ट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग एंड देयर इज नो एंजाइम लॉस। अब बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड के अंदर कौन से मैट्रिक्स यूज होते हैं, एगरोज, सेलुलोज और पोली अक्राइल अमाइड। ये डिफरेंट सपोर्ट या मैट्रिक्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग मैथड के अंदर यूज होती हैं। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का जो थर्ड मेथड है वो है इंट्रैपमेंट मेथड। इंट्रैपमेंट मेथड में क्या होता है, एंजाइम्स आर फिजिकली इंट्रैप्ड विद इन पोरस मैट्रिक्स। ये आपके पास एक पोरस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम फिजिकली इंट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड्स इन्वॉल्व मे बी कोवेलेंट आर नॉन कोवेलेंट, यानी मैट्रिक्स और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट भी हो सकती है और नॉन कोवेलेंट टाइप भी हो सकती है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की कि इंट्रैपमेंट मेथड में कौन से मैट्रिक्स यूज होते हैं, तो इसकी एग्जांपल है वाटर सोलुबल पॉलीमर्स सच एज अगार अगार, कैरागिनिन, जिलाटिन एंड सेलुलोज ट्राई एसिटेट आर यूज एज ए मैट्रिक्स फॉर इंट्रैपमेंट मैथड। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम फ्रॉम द मैट्रिक्स। क्योंकि ये मैट्रिक्स पोरस है तो इसमें से लो मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम के लीक आउट होने का जो है वो खतरा रहता है।
तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम इज मिम्ब्रेन कन्फाइनमेंट। अब मिम्ब्रेन कन्फाइनमेंट मेथड को इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट इसका देखते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर कन्फाइंड इन अ सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज नाइलोन। कि इस मेथड के अंदर एंजाइम को एक सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन में कन्फाइन कर दिया जाता है, और वो सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन या तो नाइट्रोसेलुलोज की बनी होगी या फिर नाइलोन की बनी होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये एक सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन है जो कि नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन की बनी हुई है, और इसके अंदर एंजाइम जो है वो कन्फाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम इनसाइड द मिम्ब्रेन कैप्सूल। यानी इस मिम्ब्रेन कैप्सूल के अंदर जो एंजाइम है अगर वो ज़्यादा स्टेबल होंगे तो इस प्रोसेस की जो सक्सेस है या इफेक्टिवनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इमोबिलाइज्ड बाय इनकैप्सुलेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स बट नॉट अलाउ एंजाइम्स मॉलिक्यूल टू एस्केप। कि इस सेमी परमिएबल मिम्ब्रेन से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट तो मूव कर सकते हैं लेकिन ये एंजाइम्स मॉलिक्यूल को एस्केप होने से प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम परमिट्स रीयूज ऑफ एंजाइम। के इस प्रोसेस की वजह से हम एंजाइम्स को रिपीटेडली रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंक्रीज्ड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। तो इमोबिलाइजेशन की वजह से जो एंजाइम की फंक्शनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। रिकवरी ऑफ एंजाइम एंड इट्स रीयूज reduces the effluent handling problem। क्योंकि enzymes बार बार use होते रहते हैं तो इससे जो handling problems हैं वो काफ़ी हद तक reduce हो जाते हैं। Next advantage है, product obtained continuously because there is no loss of enzyme during this process। कि immobilization के process के दौरान चूँकि enzyme loss नहीं होते इस वजह से जो products हैं वो continuously obtained होते हैं। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड। तो इमोबिलाइजेशन की वजह से जो एंजाइम की थर्मोस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम डिनेचर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड बट इन इमोबिलाइज्ड स्टेट इट इज स्टेबल एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि जो एंजाइम की थर्मोस्टेबिलिटी है वो इमोबिलाइजेशन की वजह से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम कैन बी यूज्ड इन नॉन एक्वस मीडिया। कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम नॉन एक्वस मीडिया के अंदर भी यूज कर सकते हैं। देयर इज लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन इन द प्रोडक्ट्स। कि इमोबिलाइजेशन के प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, इट ऑफन हार्मफुली अफेक्ट द एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है या स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है ड्यू टू इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट है, हाई कॉस्ट फॉर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम। के एक्टिव एंजाइम्स की अगर प्योरिफिकेशन या आइसोलेशन करें तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स आर समटाइम्स वल्नरेबल टू कंटामिनेशन। के इमोबिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो एंजाइम्स हैं वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज इनसोल्युबल। कि अगर कोई एक सबस्ट्रेट इनसोल्युबल हो तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो है वो काम नहीं करते। नेक्स्ट है, सम एंजाइम्स बिकम्स अनस्टेबल आफ्टर इमोबिलाइजेशन। कि इमोबिलाइजेशन की वजह से एंजाइम जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड बाय द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। के इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो हीट जनरेट करता है उससे भी कुछ एंजाइम जो है वो
इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये चंद डिसएडवांटेजेस थे इंजाइम इमोबिलाइजेशन प्रोसेस के।